उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला चल रहा है, बड़ा ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक एनिमल लवर वीकेंद्र ने एक शख्स पर चूहे के मर्डर का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि मनोज नाम के शख्स ने चूहे को पत्थर से बांध कर पानी में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी आधार पर पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया था। वीकेंद्र ने चूहे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बरेली IVRI भेजा और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें मर्डर की बात गलत साबित हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चूहे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चूहे के फेफड़े और लीवर पहले से खराब थे। बदायूं के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास रहने वाले मनोज ने 25 नवंबर को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबो दिया। वहां से गुजर रहे पशु प्रेमी वीकेंद्र ने मनोज के इस हरकत का विरोध किया, लेकिन मनोज माना नहीं और चूहा मर गया। वीकेंद्र ने इसका वीडियो बना लिया और इसके बाद वीकेंद्र ने चूहे की डेड बॉडी को नाले से निकालकर एसी कार से उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की मदद से बरेली भिजवाया। पोस्टमार्टम का खर्च भी वीकेंद्र ने ही उठाया। साथ ही उसने चूहे की हत्या का आरोप मनोज पर लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मनोज को पहले 8 घंटे हिरासत में रखा गया। इसके बाद तीसरे दिन यानी 27 नवंबर को मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत FIR दर्ज हुई। फिलहाल मनोज जमानत पर बाहर है। चूहे की हत्या में FIR का ये मामला देश भर में सुर्खियों में छाया रहा। IVIR के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर KP सिंह बताते हैं कि 25 नवंबर को चूहे की बॉडी को बरेली लाया गया। उसके बारे में बताया गया था कि चूहे की पूंछ में रस्सी बांधकर नाले में डुबोकर मारा गया। उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन कुमार ने किया। उन्होंने जांच में पाया कि चूहे के फेफड़े खराब थे, फेफड़ों में सूजन थी, लीवर में भी इन्फेक्शन था, फेफड़ों की नाली के पानी जैसे अवशेष नहीं मिले। इसके बाद दोनों डॉक्टरों ने चूहे की माइक्रोस्कोपिक जांच भी की और इसके आधार पर डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई है। फेफड़े की नलियां फटी हुई थी, जो मरने से पहले जोर जोर से सांस लेने के कारण फटी होंगी। मनोज का परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। मनोज का घर एक चबूतरे और एक कमरे के बाद खत्म हो जाता है। परिवार में मनोज के माँ बाप, पत्नी और 3 लड़कियां हैं। पूरा परिवार इसी घर में गुजर बसर करता है। बच्चियों को छोड़कर पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन ही बनाता है। मनोज ने कहा, हमारा घर नाले के पास है। थोड़ी दूरी पर बने घरों में जहां भी चूहे पकड़े जाते हैं, लोग यहीं छोड़ जाते हैं। उसके बाद वो हमारे घरों में घुस जाते हैं और किसी को चूहा डालने से मना करो तो लोग लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। चूहे घर के डिब्बे, कपड़े, जूते, बच्चों की किताबें सब कुछ कुतर देते हैं, तब तो कोई नहीं आता मदद करने। बस गरीब इंसान को लोग फंसाने आ जाते हैं। मनोज कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी का चूहे हाथ तक चबा गए, उसकी पूरी खाल गायब हो गई। वो बहुत छोटी थी इसलिए भाग नहीं पाई। तब हम लोगों ने इसका इलाज में बहुत पैसा खर्च किया, उसका हिसाब कौन देगा? मेरी बेटी को अगर कुछ हो जाता तब मैं क्या करता? देश भर में इतने मुर्गे, बकरे, गायें कटती है, तब ये लोग क्यों नहीं जागते? इनको पता है वहां बोलेंगे तो कोई इनकी सुनेगा ही नहीं। मैं तो माफी भी मांग रहा हूं, लेकिन अब भी वीकेंद्र को चिकन की सारी दुकानें बंद करवानी पड़ेगी, तभी वो सच्चे पशु प्रेमी साबित होंगे। मामले में पशु प्रेमी वीकेंद्र शर्मा कहते हैं कि मनोज का चूहे को मारने का तरीका बहुत गलत था। वो उनको पकड़ के कहीं और छोड़ देता। ऐसे किसी को तड़पा कर नहीं मारना चाहिए। जब मैंने चूहे को नाले से निकाला तो वो तड़प रहा था। ये हरकत किसी अपराध से कम नहीं है, इसलिए मैंने उस पर केस किया है। अगर आगे से कोई ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा।